हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आप भी बिगनर हैं, आप भी सीखना चाहते हैं एक्रेलिक एक्सटेंशन, तो वीडियो को पूरा देखना, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है सारा। गाइस, कोई भी एक्सटेंशंस करने से पहले हम नेल्स को प्रेप करते हैं। पहला स्टेप है, हम क्यूटिकल्स को पुश करेंगे क्यूटिकल पुशर की हेल्प से। सेकेंड स्टेप है, हम नेल्स की शाइन मिटाएंगे सॉफ्ट बफर की हेल्प से, और साइड वॉल्स में भी जो डेड स्किन है उसे भी हम बफ करेंगे। जो साइड वॉल्स में डेड स्किन होती है उसे हम कुछ इस तरह निकालेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम वैसे ही करना है। साइड वॉल से डेड स्किन निकालने के बाद अब हम क्यूटिकल कटर की हेल्प से, जो क्यूटिकल के पास डेड स्किन, हार्ड डेड स्किन होती है, उसे हम कट करेंगे। ये स्टेप बहुत केयरफुली करना होता है, ध्यान रखें कि क्लाइंट को कट ना लगे। गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। अब हम डस्ट क्लीन कर देंगे और नेल्स को वाइप ऑफ कर देंगे, साइड वॉल से भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। ये थे हमारे नेल्स प्रेप करने के स्टेप्स। अब हम नेल्स के साइज के अकॉर्डिंग टिप सेलेक्ट करेंगे। मैंने नेचुरल डी कट टिप यूज़ की है। टिप सेलेक्ट करते वक्त हमने ध्यान रखना है जो हमारी टिप है वो साइड वॉल के अंदर ही रहे, साइड वॉल से बाहर ना जाए। यहाँ मैंने बोल्ट बी की ग्लू यूज़ की है। एक ड्रॉप ग्लू की लगाकर कुछ इस तरह टिप को लगाना है। कुछ सेकंड के लिए इसे होल्ड करके रखना है ताकि जो हमारी टिप है वो अच्छे से लग जाए। जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसे हम साफ कर देंगे। जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम टिप को कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम शेप क्रिएट करेंगे। यहाँ मैंने ओवल शेप क्रिएट की है। ओवल शेप क्रिएट करने के लिए मैंने साइड से कट किया है नेल कटर की हेल्प से, ताकि जो हमारी शेप है वो इजीली बन जाए। और फिर फाइलर की हेल्प से मैंने शेप क्रिएट की है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम वैसे ही शेप क्रिएट करनी है। अगर आपको कोई और शेप क्रिएट करनी है तो आप फाइलर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ओवल शेप क्रिएट करनी थी, इसलिए मैंने नेल कटर की हेल्प से साइडों से कट किया था। शेप क्रिएट करने के बाद अब हम टिप को मर्ज करेंगे नेचुरल नेल के साथ कुछ इस तरह, ताकि जो हमारा सरफेस है वो इक्वल हो जाए। इसके साथ ही पूरी टिप को फाइल करेंगे ताकि जो शाइन है वो रब हो जाए। अब हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर। मैंने यूज़ किया है एमी जेल का। डिहाइड्रेटर नेचुरल नेल्स में जो ऑयल आता है उसे कंट्रोल रखता है। इसे बस नेचुरल नेल्स पर ही अप्लाई करेंगे। अब हम एक्रेलिक अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ इस फ्लो का लिया है एक्रेलिक पाउडर, जिसका शेड है क्लियर। क्लियर शेड से ही हम सारी एप्लीकेशन करेंगे। ये है मोनोमर। मोनोमर भी मैंने इस फ्लो का ही लिया है। इसे हम डिश में निकाल कर रख लेंगे जितना भी हमें चाहिए। ब्रश मैंने यूज़ किया है मीडियम साइज का, इसका नंबर है 8। ब्रश को मोनोमर में डिप करके अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी डस्ट है वो निकल जाए और ब्रश अच्छे से क्लीन हो जाए। एक्रेलिक बीट उठाने के लिए ब्रश को मोनोमर में कुछ इस तरह डिप करेंगे और अपनी बीट उठाएंगे। जो हमने टिप लगाई थी उस टिप के ऊपर, यानी कि नेल के सेंटर में हम बीट को रखेंगे और उसे धीरे धीरे फैलाते जाएंगे। पहले हम ब्रश को क्लीन कर लेंगे मोनोमर में डिप करके, और फिर बीट को धीरे धीरे फैलाते जाएंगे टैप टैप मोशन में। ब्रश को हमने यूज़ करना है। ध्यान रखें कि ब्रश में मोनोमर होना चाहिए, ताकि जो हमारी बीट है वो ब्रश से ना चिपके। एक्रेलिक हमारी साइड वॉल्स पर भी टच नहीं होना चाहिए। फिर से हम ब्रश को मोनोमर में डिप करेंगे और एक बीट उठाएंगे कुछ इस तरह, और बीट को हम नेल के टॉप पर रख देंगे और टैप टैप मोशन में इसे फैलाते जाएंगे। ध्यान रखें कि क्यूटिकल्स और साइड वॉल्स पर टच ना हो। इस स्टेप पर ही अब हमारा एपेक्स भी क्रिएट हो जाएगा।
गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एक्रेलिक अप्लाई करते समय हमने ध्यान रखना है कि हम ब्रश को बार बार क्लीन करते रहें ताकि जो हमारा ब्रश है उस पर प्रोडक्ट ना जमे। अप्लाई करने के बाद अब हम क्यूटिकल से एक बारी ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्यूटिकल्स पर ना लगा हो। एक्रेलिक एयर ड्राई होता है। ड्राई होने के बाद अब हम फाइलर की हेल्प से फाइल करेंगे ताकि जो भी हमारा अप एंड डाउन सरफेस है वो इक्वल हो जाए और साथ ही शेप भी नीट कर लेंगे। फाइल करने के बाद अब हम सॉफ्ट बफर की हेल्प से बफ करेंगे ताकि जो भी फाइलर से स्क्रैच पड़े थे वो सॉफ्ट हो जाए। फैनिंग ब्रश की हेल्प से डस्ट क्लीन करेंगे और नेल्स को एसीटोन से क्लीन कर लेंगे ताकि जो भी डस्ट है वो क्लीन हो जाए अच्छे से। अब हम बेस कलर लगाएंगे। मैंने यूज़ किया है रेड कलर। बेस कलर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे टॉप कोट। मैंने इसके ऊपर फॉइल आर्ट किया है, गोल्डन फॉइल यूज़ किया है। कुछ इस तरह मैंने अप्लाई किया है। फॉइल लगाने के बाद अब हम लगाएंगे टॉप कोट ताकि जो भी हमने फॉइल लगाया है वो सील हो जाए। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट।